हेलो एवरीवन, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2004 डेट से पहले की है तो आप ऑनलाइन वोटर कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। बनने के पास आपके पास आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा। साथ ही आप वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2022 में ऑनलाइन वोटर आईडी अप्लाई करने की कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। 2022 में नया वोटर आईडी अप्लाई करने के लिए आपको इस पोर्टल में आना होगा। इसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपका मेल आईडी पूछा जा रहा है, मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। आप दोनों में से कोई भी एक दे दीजिए, फिर सेंड ओटीपी कीजिए। आप यहाँ पर अपना ओटीपी लिखकर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। फिर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आप यहां पर अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। आपको जो पासवर्ड बनाना है वो पासवर्ड ऊपर में लिखिए, फिर वही सेम पासवर्ड आपको नीचे में लिखना है, फिर आपको कैप्चा भरना है, फिर आपको टर्म्स एंड कंडीशन में सेलेक्ट करना है, फिर आपको क्रिएट अकाउंट में क्लिक करना है। आपका वोटर पोर्टल आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। आपको वेलकम पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, यहाँ पर सर नेम लिखना है, और यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इस पोर्टल में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर न्यू वोटर आईडी रजिस्टर कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपने वोटर आईडी का करेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपने वोटर आईडी का शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप आपका अगर वोटर आईडी कभी खो गया है तो यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं, और अपने वोटर आईडी को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अभी हमें अपने न्यू वोटर आईडी रजिस्टर करना है, इसके लिए हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे नीचे में जाना है और लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने ये दो ऑप्शन आ रहे हैं कि आप ये वोटर आईडी फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, आप कीजिए यस, फिर नीचे में जाइए, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपके सामने दो तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। पहले वाले ऑप्शन में पूछा जा रहा है अगर आप इंडियन सिटीजन से है तो आपको पहले वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, अगर आप इंडियन सिटीजन से बाहर है, आउटसाइड है, तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैं पहले वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। फिर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपना आपका डेट ऑफ बर्थ की डिटेल देना है, यहाँ पर ईयर लिखना है, यहाँ पर आपको मंथ लिखना है, यहाँ पर डेट लिखना है। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है प्लेस ऑफ बर्थ, आपने जो जन्म लिया था आपने कौन से गांव पे लिया था या सिटी पे लिया था वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आपको वो स्टेट सेलेक्ट करना है, आप स्टेट भी सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट करना है, आप डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे में जाएंगे तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए डॉक्यूमेंट पूछ रहा है, तो आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने लिए पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करेंगे उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। आप चाहे तो जीपीजी फॉर्म में, आप चाहे तो पीएनजी फॉर्म में, या फिर आप चाहे तो उसे पीडीएफ फॉर्म में भी अपलोड कर सकते हैं। फाइल का जो साइज रहेगा वो 2 MB से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, मैक्सिमम आप 2 MB साइज का ही फाइल अपलोड कर सकते हैं, तो ही वो यह सपोर्ट करेगा। आपको इसके लिए यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है, आप चाहे तो कैमरा से तुरंत फोटो खींच करके अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर आपका और एक ऑप्शन जो आ रहा है फाइल में, आपका गैलरी में अगर कोई डॉक्यूमेंट सेव है तो आप वहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे गैलरी में जो सेव है मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने अपना पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड कर लिया है। नीचे में और एक आपको ऑप्शन दिख रहा है, आपको अपना एज का डिक्लेरेशन देना है। उसके लिए आप वापस वैसे ही सेम प्रोसेस करेंगे, आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना है। बर्थ सर्टिफिकेट देने के बाद यहाँ पर हम लोग सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना पिक्चर अपलोड करना है। आप जो भी पिक्चर यहाँ पर अपलोड करेंगे वो आपका वोटर आईडी में बनकर आएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन आ रहा है कैमरा करके, आप चाहे तो अभी तुरंत फोटो लेकर दिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो फाइल में जाके आपकी गैलरी में जो भी सेव फोटो है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। हाँ देखिए, मैंने अपना फोटो अपलोड कर लिया है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद आपके पास वो डिटेल जो आपने लिखा था वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे में जाएंगे, नीचे में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है,
अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है तो आप डिसेबिलिटी यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर आप नॉन डिसेबिलिटी ही रखेंगे, फिर नीचे में जाएंगे, फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने किसी फैमिली नंबर का वोटर आईडी नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर अपने फादर मदर या फिर अपने हस्बैंड का डिटेल फिल करेंगे, जिसका भी नाम आप अपने वोटर आईडी में रखना चाहते हैं। फिर यहाँ पे जिनका डिटेल आपने भरा है वो आप सेलेक्ट करेंगे, फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपको जो जहाँ पे आप करंट रह रहे हैं वहाँ का आपको हाउस नंबर लिखना है, यहाँ पर आपका लोकेलिटी लिखना है, यहाँ पर आपका स्ट्रीट एरिया लिखना है, यहाँ पोस्ट ऑफिस लिखना है, यहाँ पर आपका कौन सा टाउन है या विलेज है वो लिखना है, यहाँ आपको आपका एरिया टाइप लिखना है। उसके बाद आप नीचे में जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपका असेंबली कंस्टिट्यूंसी पर क्लिक करना है, वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप नीचे में जाएंगे, फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना है। आप चाहे तो राशन कार्ड दे सकते हैं, आप चाहे तो पासबुक दे सकते हैं, आप इसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपने जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है उसे अपलोड करना है, फिर सेलेक्ट फाइल क्लिक करना है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। मैंने अपना पासबुक भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना है कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ पर कब से रह रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे मंथ भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर नीचे जाएंगे, नीचे आप यहाँ पर अपना प्लेस डालेंगे, यहाँ पर अपना नेम डालेंगे, फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। जो भी आपने इस फॉर्म पे भरा हुआ है वो अच्छा से आप चेक कर लीजिएगा, सारी डिटेल आप वो चेक कर लीजिएगा कि आपका कोई गलती नहीं हुआ हो। अगर बाय चांस आपको कुछ उसमें एडिट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है एडिट फॉर्म का, उसमें जाकर आप एडिट कर सकते हैं। फिर वो सब चेक करने के बाद आप नीचे जाइएगा, नीचे जाने के बाद आप यहाँ पर डायरेक्ट सबमिट का बटन है, वो सबमिट बटन क्लिक कर लीजिएगा। मैं पहले चेक कर लेता हूँ फिर सबमिट कर लेता हूँ। अब आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक रेफरेंस आईडी मिलेगा, वो रेफरेंस आईडी को आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी इसे इसलिए किया जाता है ताकि आप इसे ट्रैक कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। अपने वोटर आईडी को ट्रैक करने के लिए आपको इसी पोर्टल पर आना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ऊपर में 3 डॉट दिख रहा है, वहाँ क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद आपको नीचे में ऑप्शन दिख रहा है ट्रैक स्टेटस का, वहाँ क्लिक करना रहेगा। फिर आपने जो भी रेफरेंस आईडी कॉपी किया है उसको यहाँ पर आप पेस्ट कर लीजिएगा। पेस्ट करने के बाद आप इसको यहाँ पर ट्रैक योर स्टेटस में क्लिक कीजिएगा। ट्रैक योर स्टेटस में आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सक्सेसफुली सबमिट हो गया है वो फॉर्म। फिर नीचे में आप जाएंगे तो आप देखेंगे BLO अपॉइंटमेंट होगा, फिर फील्ड वेरीफाइड होगा, उसके बाद आपका ये वोटर आईडी एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्टेड हो जाएगा। अगर आपने सब चीज़ सही से भरा है तो आपका वो वोटर आईडी एक्सेप्टेड हो जाएगा। नई वोटर आईडी बनने में 1 से 3 महीने का टाइम लगता है, इसके लिए आप यहाँ से आके आप उसको ट्रैक करते रह सकते हैं। जैसे ही वोटर आईडी आपका बन जाएगा आपको वो बाय पोस्ट आपके घर पर आपके एड्रेस पर आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।